अपनी कोरोना की जर्नी के बारे में बताती आई हूँ, जो मेरी कोरोना के अगेंस्ट फाइट रही है। और आज मैं आपको कोरोना रिकवरी के बारे में अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। कोरोना, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे एक आम साधारण सर्दी जुकाम होता है, वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा कोरोना के अगेंस्ट। मगर दोस्तों, जो रिकवरी है इसमें मेरे साथ काफी शॉकिंग चीजें हुई, जो कि मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। अक्सर हमने देखा है कि जब भी बचपन से हम कभी भी बीमार हो, मुझे एक बार बहुत पीलिया हुआ था, फिर एक बार बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मैं काफी ग्रस्त थी, 1.5 साल बेड पे ही थी, टांग टूट गई थी मेरी। तो हमने हमेशा देखा है कि जैसे भी हम किसी इस तरह की दुर्घटना से जब रिकवर हमारा शरीर होने लगता है, तो चाहे कम समय में रिकवर हो चाहे ज्यादा समय में रिकवर हो, लेकिन एक बार जब रिकवर होने लगता है तो परपेचुअली फिर रिकवर होता जाता है। लेकिन दोस्तों, जो कोरोना है इसमें एक बहुत ही जो शॉकिंग चीज मैंने महसूस की कि ये आपको एक फॉल्स रिकवरी देता है। जैसे मेरा नेगेटिव आने के ऑलमोस्ट 1-2 दिन में ही मुझे ऐसे लगा कि मैं 100% ठीक हो चुकी हूँ। अब मैं कोई भी काम, चाहे वो वर्कआउट हो या एक्टिंग शिफ्ट्स हो, वर्किंग शिफ्ट्स हो, या दोस्तों के साथ काम करना हो, बातें करना हो, मैं जितना पहले जिस क्षमता से कर सकती थी अब भी उसी क्षमता से कर सकती हूँ। लेकिन वो एक फॉल्स रिकवरी थी। जैसे ही मैं घर से निकली या कुछ करने की कोशिश की, तो पता चल रहा है कि मैं फिर से एक बहुत जबरदस्त रिलैप्स की शिकार हो जा रही हूँ। फिर से बेड रिडन, ऐसा लग रहा है कि जैसे उठा ही नहीं जा रहा बिस्तर से, हल्का गला दर्द भी होना शुरू हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलमोस्ट बुखार भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो वायरस है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ट्रीटेड है। क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा कि इस जैसा आपके शरीर के अंदर ये वायरस कुछ भी डैमेज कर रहा होता है, तो जो हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है, चाहे हमारे ऑर्गन्स को फेल कर रहा होता है, या ब्रेन फॉग से हमें, कुछ लोगों को परमानेंट डिमेंशिया हो रहा है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कुछ लोग जस्ट सिंपली मर जा रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसको म्यूट कर देता है उस डैमेज के अगेंस्ट, चाहे हमें खून की उल्टियां होनी हो या बुखार होने हो, या हमें एक फॉल्स रिकवरी की होप देता है, और फिर अचानक से जो है लोग इसी करके मर जा रहे हैं, ऑर्गन फेलियर से या ब्रीदिंग प्रॉब्लम से। तो दोस्तों, ये जो रिकवरी है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, जितना कि कोरोना से लड़ना हम समझते हैं जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जरूरी है। आई थिंक ये वायरस जो है अपना असली काम, ये आफ्टर नेगेटिव आने के बाद ही अपना असली काम करने लगता है आपके शरीर पर। तो मेरा ये अनुभव रहा, और एक बार ऐसा रिलैप्स नहीं हुआ, फिर से 2-3 दिन में मुझे ऐसा लगा कि, और लगा ही नहीं, कई बार तो मैं, जैसे होता है 2-2 घंटे एक्सरसाइज करना या रनिंग पे जाना या कुछ करना, बहुत, और कोई सिम्टम्स नहीं उसके बाद, लेकिन अगले दिन या शाम में फिर से बहुत जबरदस्त रिलैप्स हो जाना। और ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हो गया, और जबकि कल मेरे 14 डेज पूरे होने वाले हैं जब से मैं नेगेटिव आई हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की, जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए उनसे बात की, और मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि ये जो कोरोना जो रिकवरी पीरियड है, रेस्ट पीरियड है, इसको प्लीज अनएस्टिमेट मत करिए, और अपनी स्टीमिंग भी चालू रखिए, जो भी आप गले में स्टीम, नाक में स्टीम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट बहुत जरूरी है। और लेट्स जस्ट डिफीट दिस वायरस। थैंक यू। जय हिंद।